दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफलाइन विद सिल्वी। और आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी सोया चाप विदाउट एनी मलाई, विदाउट एनी क्रीम। आइए जानते हैं मलाई चाप बनाने के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 2 चम्मच आलमंड पाउडर। आलमंड पाउडर आप कैसे कर सकते हैं कि 10 से 12 बादाम को भिगो दीजिए, उसके बाद उसका छिलका उतार के ड्राई करके आप उसका पाउडर बना लीजिए। 1 कटोरी दही, 1 कटोरी दूध, 2 चम्मच काजू का पाउडर, 1 तेज पत्ता, 1 मोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा बॉईल करने के लिए 1 चम्मच अलग से होगा बट 1 चम्मच मैरिनेशन में जाएगा, 1 चम्मच काली मिर्च और 1/2 किलो सोया चाप। हमें चाहिए होगा 1 चम्मच ओट्स, जो कि हमें एज अ थिकनिंग एजेंट अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको रेसिपी के दौरान आपको बताऊँगी कि कैसे यूज़ करना है। और इस डिश में मुझे डालना है 1 चम्मच देसी घी। इसे आप इस रिप्लेस कर सकते हो रिफाइंड के साथ भी, बट आई रिकमेंड देसी घी क्योंकि हम कोई भी क्रीम या कुछ ऐसा नहीं डाल रहे हैं जो कि बहुत हैवी करे, और देसी घी से बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट इन्हांस होगा। लहसुन अदरक पेस्ट 1 चम्मच और गार्निश के लिए हरी मिर्च और धनिया। चलिए अब बनाते हैं सोया चाप। हमारा मलाई चाप बनाने का जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है अपनी चाप को तकरीबन 1 लीटर उबलते हुए पानी में डालकर इसे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल में हमें 10 से 12 मिनट तक अच्छे से उबालना है और फिर हमें इसे स्ट्रेन करना है। पहले मैरिनेशन बनाने की शुरुआत करेंगे, जैसे कि तेज पत्ता, मोटी इलायची वगैरह, हम सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अपने एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स एक बोल में डालने के बाद हम इसे एक देंगे स्टर। एक चाप के हम 2 से 3 टुकड़े करके इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हम अच्छे से स्टर करेंगे। मैंने याद रखी है, मैंने ये इसमें धनिया और हरी मिर्च और ओट्स नहीं डाला है, बाकी सब इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए। देखिए ये मैंने सारा कुछ डाल दिया है और मिक्स कर दिया अच्छे से। अब इसे हमने रेफ्रिजरेटर में कम से कम 3 से 4 घंटे रहने देना है और बनाने से 1 घंटा पहले निकाल देंगे। मतलब जैसे हमने बनाना है 5 बजे, तो मैं 12 बजे इसे मैरिनेट करूँगी, 4 बजे तक कम से कम ये फ्रिज में रहेगा, फिर 1 घंटा इसे नॉर्मल होने दूंगी और फिर 5 बजे मैं बना सकती हूँ इसको। बट ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप इसे ओवरनाइट रख पाएँ तो इट विल बी रियली ग्रेट। पहले एक पैन को हमें गर्म करना है, उसमें डालना है 1/2 चम्मच अपनी पसंद का तेल या घी। मैं 1/2 चम्मच देसी घी में बना रही हूँ। मैं बताना चाहूँगी हम इसको हैवी नहीं करेंगे, मैंने इसमें कोई क्रीम नहीं डाली। जो इसकी क्रीमीनेस आएगी वो आएगी हमारी दही से, दूध से, जो हमने थोड़ा ड्राई फ्रूट डाला है बादाम और काजू उससे आएगी क्रीमीनेस, तो वही इसको अच्छे से बॉडी देगा और टेक्सचर देगा। तो आप प्रेफर कीजिए कि थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए बिकॉज इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है डिश में। ये देखिए मैं सारे कंटेंट्स अपने ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस पैन में। ये हमने मैंने सारे कंटेंट्स अपने ट्रांसफ़र कर लिए हैं और मैंने अच्छे से इसको स्टर करना है तेज सेक पे ही उबाल आने तक। मैं बताना चाहूँगी कि आप इस ग्रेवी को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आपको ये लगता है कि बहुत ही गाढ़ा हो रहा है बनने के प्रोसेस में तो आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं इसे थोड़ा, जैसे अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी हुआ नहीं है लेकिन बहुत सूखा सूखा सा बन रहा है तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। नहीं तो मैंने ये कंपल्सरी इंग्रेडिएंट नहीं लिखा है इन माय इंग्रेडिएंट्स, बट आप अगर ये आपको लगता है कि बहुत रनी हो रहा है तो आप सादे ओट्स जो मार्केट में मिलते हैं वो 1 चम्मच बनने के टाइम में ही मिला के अच्छे से उसको स्टर करके भी कुक करेंगे। ये अब ये इसमें हल्का सा उबाल आने लगा है, ये देखिए कॉर्नर्स पे साइड्स पे आप देख रहे होंगे। अब हम इसे लिड लगाकर इसे लगेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट, उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। हम चेक किए सिमसेक पे और फिर हम चेक करके आगे का देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर। आइए दोस्तों, ये अभी मेरे को 7 से 8 मिनट हुए हैं तो मैंने कहा एक बार इसको चला देती हूँ और देखिए ये मुझे लग रहा है कि अगले 7 से 8 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई हो जाने वाला है बिकॉज चाप अपने आप में ये सारा का सारा ग्रेवी चूस लेगी।
आपको क्या करना है कि आपको इसको सही कंसिस्टेंसी में लाने के लिए, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने आपको बोला था कि अगर ये ज़्यादा गाढ़ा लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। उससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल कंसिस्टेंसी के टाइम में नमक, काली मिर्च वगैरह आप चेक करके आप देख सकते हैं कि कम लगेगा तो आप और डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको इससे गाढ़ापन चाहिए तो आप थोड़ा सा ओट्स डाल सकते हैं जैसे मैंने बताया, नहीं तो आप इसको अभी ही धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा इसमें ओट्स डाल दूँ, मैंने डाल दिया है, ये देखिए ये स्टेज पे। चाहे मैं थोड़ी देर डिले कर सकती, मतलब नहीं भी डाल के आपको दिखा सकती थी, बट आई वॉन्टेड कि मैं आपको एक बार ये भी करके दिखा दूँ कि इसको कैसे करना है। बस इसको डाल के 2 से 4 मिनट, जरूरत पड़ेगी, हमें कच्चा लगेगा तो हम बाद हम चेक करेंगे। अगर हमें लगेगा कि अभी थोड़ा ओट्स में कसर है तो हम 2-3 मिनट और कर देंगे, अदरवाइज ये हो जाएगा तब तक। ये देखिए अब हमारे बिल्कुल ये चाप रेडी है, और देखिए आप ओट्स का नाम भी नहीं बता सकते हो, ये एकदम डिसअपियर हो गया हमारी ग्रेवी में, और ये बहुत ही टेस्टी और मलाईदार बना देता है। देखिए बिना मलाई वाला आपने बनाया है सोया चाप। आइए इसे सर्व करते हैं हरी मिर्च और धनिया के साथ। लीजिए ये तैयार है हमारी सोया चाप, जिसे हमने सर्व किया है हरी मिर्च और धनिया के साथ। आप भी इंजॉय कीजिए मलाईदार सोया चाप विदाउट एनी मलाई एंड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच फ्रॉम आपकी दोस्त।